हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पशु चिकित्सालय स्थानांतरण का राजसमंद की जनता का विरोध प्रदर्शन। विधायक माहेश्वरी के आह्वान पर मार्केट रहा बंद। व्यापार मंडल ने दिया समर्थन। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित वर्षो पूर्व से संचालित पशु चिकित्सालय को नाथ द्वारा ले जाने के विरोध में प्रदर्शन। राजसमंद विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी के नेतृत्व में राजसमंद की जनता ने जिला मुख्यालय स्थित पुराने कलेक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन किया। राजसमंद नगर के आसपास के गांवों के किसान पुरुष व महिलाएं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंची। धरना स्थल पर विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने आम जनता को संबोधित करते हुए चल रहे पशु चिकित्सालय को नाथ द्वारा स्थानांतरण नहीं करने व राजसमंद के स्थानीय कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या आप राजसमंद के निवासी नहीं हैं? अगर है तो राजसमंद मुख्यालय में चल रहे पशु चिकित्सालय को नाथ द्वारा ले जाया जा रहा है। आपका आज केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं आम जन कर रहा है विरोध प्रदर्शन। इसमें कांग्रेस नेताओं को भी समर्थन करना चाहिए एवं खुलकर राजसमंद के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए। पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, जिला उपप्रमुख सोहनी देवी गुज्जल, प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल, उदयलाल अहीर, मुकेश जोशी, दिग्विजय सिंह भाटी, सुभाष पालीवाल, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मांगीलाल कुमावत, जिला उपाध्यक्ष महेश आचार्य, जिला मंत्री जगदीश पालीवाल, महेंद्र सिंह चौहान, भाजपा ओबीसी मोर्चा, जिला अध्यक्ष जवाहरलाल जाट, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सविता सनाध्य, महामंत्री विशाखा तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन कुमावत, पूर्व प्रधान भानु पालीवाल, पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल, महेश पालीवाल, पूर्व जिला महामंत्री सत्यनारायण पूर्बिया, सत्य प्रकाश काबरा, माधवलाल चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार टेलर, हरवत सिंह आसिया, धन सिंह राठौर सहित कई नेताओं ने संबोधित करते हुए पशु चिकित्सालय स्थानांतरण का विरोध करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तत्पश्चात धरना स्थल से विधायक माहेश्वरी के नेतृत्व में जुलूस के रूप में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन दिया। जागरूक टीवी के राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।